People in Muzaffarnagar, those who had left their home 7-8 months back after the violence in villages, are now heading back to those same villages in order to cast their vote. It's a very emotional journey for them. In fact, some women who are coming along with us even started crying when they looked at the lanes and bylanes which they had left behind many months ago in order to keep themselves and their children and family safe. आप अभी इतने दिनों बाद अपने गांव जा रहे हैं जी, आप थोड़ी देर पहले रो रही थी, हमसे बात कर रही थी, क्या महसूस हो रहा है अभी आपको, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना यही चाह रहा जी, गांव में जाने को मन नहीं करता, जोर पड़ा जी, जोर का बोल ले, जोर पड़ा जी, घर भी नहीं रहे, आदमी नहीं रहे, सुसर भी काट दिया जी, तुम्हारा मन कैसे करेगा गांव में जाने को? आप अपने बच्चा पेट से थी जब आप आई यहाँ पे, अभी आप बच्चे को लेके वापस जा रही हैं वोटिंग करने? हाँ जी। आप अपना घर भी देखना चाहेंगी, वापस वहाँ पे जाना चाहेंगी, उन गलियों में जहाँ से आप? हाँ जी, वैसे घर दिखा दे, पर गांव में जाना नहीं चाहते जी, गांव में क्या करेंगे जी, जी बाद में नहीं छोड़ते, मारे घर नहीं छोड़ते, क्या धरा मारा वहाँ से, 8 महीने के बाद जा रहा जी, जोर पड़ रहा। आपके घर से किसी की मौत हो गई थी जी? मेरा ससुरा काटा था जी, ससुर की मौत हो गई थी।